क्योंकि ये तो नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा सत्ता के लिए, सब जगह नीतीश दौड़ते रहे। तो शैली पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलने। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। दिल्ली से बीते शाम कल पटना पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव लगातार बैठक बुला रहे हैं। आपको हम बताते कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए हैं लालू यादव, और लालू यादव से जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया यूपी चुनाव को लेकर, यूपी में सपा को वोट दे लोग और इस बार हम पराजित करेंगे बीजेपी को। उन्होंने यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, बेरोजगार भटक रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं जा रहा। क्या कुछ कह रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव, पहले वो सुने। जो दंगा फसाद करना चाहता देश से हम अपील करते हैं वोटरों से, सभी लोगों से, खास करके जाट बिरादरी से और वहाँ पिछड़े वर्गों के लोगों को पूरी तरह से भाजपा को पराजित करें। कल से चुनाव का शुभारंभ हो रहा है। हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से? ये चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए देश सिविल वार, मोदी जी की सरकार सिविल वार। और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी, कोई चुनाव लेकर के नहीं। वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लोग, मुजफ्फरनगर तफराना राम राम करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, बेकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है, चाहे पीएम का भाषण हो या किसी का हो। सिर्फ बहुत अयोध्या और वाराणसी मथुरा काशी यही समय जो लगे हुए हैं, इनको चस्का लग गया है कि इसे करने से हिंदू वोट मिलेगा, हिंदू लोग भी कोई वोट नहीं देने जा रहा। बीजेपी तो ये कह रहे हैं कि यूपी में इस बार 300 पार होगा। पार होगा तो और जगह भी तो बोल रहे थे जाकर कलकत्ता में, यही अमित शाह बोले थे ना, पार कर रहे थे अभी चले गए अपने। सर बिहार में भी लगता है कि एनडीए में सब कुछ कंफर्टेबल है, जाएंगे चुनाव में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, थर्ड फ्रंट बनाने की कोई कोशिश चल रही है? अरे अभी तो चुनाव है तो थर्ड फ्रंट बनाने का होगा। लालू जी बिहार में भी लगता है कि जाएंगे सब कुछ ठीक नहीं, जाएंगे चुनाव प्रचार करने आप फिजिकली? हम नहीं, तबीयत ठीक नहीं ना, हम जाएंगे तो झंझट हो जाएगा, कितने दिन में जाएंगे। ये चीज देखा जा रहा है बिहार में, एक चीज देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है और क्या कोई नई परिवर्तन होने वाली है? मैं तो आया हूँ दिल्ली से, पूरा अध्ययन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ये तो नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा सत्ता के लिए, सब जगह नीतीश दौड़ते रहे हैं। और शैली पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए। बाकी तो सब लोग जानता है नीतीश कुमार के बाद यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगा, उसका असर बिहार में भी हो सकता है? अब होगा तो देखा जाएगा, या तो हम देख लेंगे। पहले सब क्या बोला, सरकार कितने दिन चलेगी? कौन सरकार, वो तो आप जानते होंगे, रहते हैं रोज। राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल होने वाली है, तो इसमें आप लोग का मूल एजेंडा क्या है, इसके जरिए आप क्या देना चाहते हैं पार्टी? राष्ट्रीय एजेंडा जो है हमारा, राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का जी, सब पार्टी के संविधान के अनुसार जो टेन्योर होता है अध्यक्ष का, उसके पहले ही चुनाव करा दिया जाता है, चुनाव बिल्कुल जनतांत्रिक तरीका से होता है। और जो कल एजेंडा तय होगा कि कौन कौन सा रिजोल्यूशन हमको लेना है, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, और उसके बाद से फरवरी महीना में
राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बिहार इंडिया के कुछ नेता आपको आदर्श बता रहे हैं, बिहार इंडिया के कुछ नेता कह रहे हैं कि लालू यादव हमारे आदर्श हैं। सब चले ही है, ये गुरु हो गया, गुरु बता रहे हैं, ये सब गुरु हो गया। अब आपको गुरु कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आप गुरु, चेला सब गुरु हो गया है, अब आपको गुरु कह रहे हैं। फिर 24 में भी देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, यूपी में सफाया होगा बीजेपी का आप कह रहे हैं, तो इसका असर 24 में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सामने चौबीस का तैयारी हो रहा है ना, सफाया होगा। सर एक चीज बताइए कि यूपी में चुनाव हो रहा है, गोवा में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, तो आरजेडी का किस किस, आप बोलते हैं कि बिहार में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है लेकिन केंद्र में आप उनके साथ हैं, सब जगह कांग्रेस लड़ रही है, यूपी में अखिलेश भी लड़ रहे हैं, तो आरजेडी का हाथ किसके साथ है? हम साथ में हैं जहाँ जो पार्टी समाजवादी पार्टी तो मजबूती के साथ जनता का सेंक्शन मिल रहा है उनको, उनके साथ हम, बाकी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित में जो कभी कोई बात को भी काम रहते हैं। कह रहे हैं आगे भी चुनाव अकेले ही लड़े आरजेडी, कांग्रेस कह रही है। अच्छा, सर बुला रहे क्या बिना कांग्रेस के कोई थर्ड? तो आपने सुन लिया है साफ साफ, लालू यादव ने कह दिया है कि जनता सपा को वोट दे, हम सपा के साथ है, यूपी चुनाव में बीजेपी को पराजित करेंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर, महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार का ध्यान जा नहीं रहा है। क्या कुछ कह रहे थे राजद सुप्रीमो लालू यादव आपने सुना है, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ यूपी चुनाव का आंकड़ा निकल के आता। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।